अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, के एम सी पाकिस्तान व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं जनाब। जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उनको खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का हमारा व्लॉग होने वाला है बेहतरीन, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के खूबसूरत शहर और खूबसूरत वादियों में आ चुके हैं। जी बिल्कुल, चित्राल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर कैलाश में हम आ जाए हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ। जी वादी कैलाश की सैर करवाते हैं हम आपको पहले, और उसके बाद हम वादी कैलाश का जो 200 साल 300 साल पुराना कब्रिस्तान है वो भी हम आपको सैर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वादी कैलाश के जो लोग हैं, जो जिनका कबीला अलग है, जिनका रहना खाना पीना और जिनका जो रिवाज वगैरह अलग थलग होते हैं, तो आज हम आपको उसमें खुशामदीद कहते हैं। ये लेडीज और के लिए कपड़े हम आपको सैर करवा रहे हैं फिलहाल वादी कैलाश की जो गलियां हैं, जो इनके घर बनी है उनकी सैर करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बेहतरीन दोस्त है हमारा सलीम भाई, जो की वादी कैलाश में रहता है, वो भी हमें गाइडलाइन दे रहा है और हमें सैर करवा रहा है। ये देख सकते हैं वादी कैलाश के जो बच्चे आज इसलिए यहाँ पे रश कम है, क्योंकि अगर किसी यहाँ के तीन गांव होते हैं आज दूसरे गांव में, वादी कैलाश का जो दूसरा गांव है उसमें शादी है, तो वहाँ लोग गए हुए हैं। तो देखें जी, ये दुकानें हैं जी वादी कैलाश की, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो ख़रीदारी करते हैं, और आज हम आपको इसकी सैर करवा रहे हैं। पूरा व्लॉग आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन पसंद आएगा। फिलहाल ये देखें जी, इनके जो घर बने हुए हैं, एक बेहतरीन लकड़ी है, जो दयाल के जो दरख्त हैं उनकी लकड़ी से बने हुए हैं। यहाँ पे लोग देखें जी, लोग भी जो साल में फेस्टिवल होता है वो भी बेहतरीन होता है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें जी, इनका जो इनके जो घर हैं वो आप चेक करें, और ये वादी कैलाश में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले हम इस पुल को क्रॉस करेंगे। हम लोग देख सकते हैं आप लोग की सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं वादी कैलाश में जी। बहुत ही बेहतरीन, अगर ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले तो ये ख़तरनाक रास्तों पे सफ़र ज़रूर कीजिएगा, और वादी कैलाश का जो है ना वो ज़रूर देखिएगा। ये हमारे सलीम भाई है, नहायत ही खूबसूरत इंसान, मुझे बहुत पसंद है। आगा भाई ने बोला था कि अपना कलर मुझे दे दो, लेकिन उसने बोला नहीं दूंगा भाई, कलर नहीं दूंगा। तो ये बेहतरीन इंसान है, ये हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं माशाल्लाह। सलीम भाई एक अच्छे इंसान है, और इसके साथ घूमते हैं वादी कैलाश में। हम तीन बंदे घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना वो लोग कहते कि आप जुल्म कर रहे हैं गाड़ी के साथ ना, लेकिन नहीं, हमारी गाड़ी दरवेशों वाली गाड़ी है। कैलाश की वादियों में हम लोग घूम रहे हैं, सलीम भाई हमारे साथ है, और आगा ट्रेवलर के एम सी पाकिस्तान व्लॉग आपके साथ है, चले आगे चलते हैं। ये जी कैलाश वैली में PTDC होटल बना हुआ है, नहायत ही खूबसूरत, ताकि यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद आए। आप देख सकते हैं, वाह ये देख, वाह अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग वादी कैलाश में हैं, और कैलाश का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे आपको ले चलते हैं, चले। अच्छा जी, ये कब्रिस्तान है, इसमें आए हम लोग, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो लोग डेथ हो जाती है, फिर देखें ये इनका कब्रिस्तान है, उनमें दफना देते हैं। और हम सलीम भाई से पूछते हैं, सलीम भाई थोड़ा हमें ये बताएं इस कब्रिस्तान के बारे में। तो जब बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है? जब डेथ हो जाती है तो काबूज में डाल के, पहले ऊपर रहते थे, अभी दफनाते हैं, वो भी इधर ही। हाँ, वो भी इधर। अच्छा, ये जो पुरानी पड़ी हुई है। हाँ, ये तो तबन 300-400 साल पुरानी। अच्छा, ये दरख्त जो आप देख रहे हैं नाजरीन, ये देखें जी, बहुत पुराने ताबूत है ना, ये है ना सलीम भाई। हाँ, ये पुराने हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं, 300-400 साल पुराने। अच्छा, ताबूत है ये दरख्त, तो बहुत पुराना होगा ये। ओह माय गॉड, शायद ये कैलाश का कब्रिस्तान है, और देखें जी बहुत ही पुराना, यहाँ पे हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं, और देखिए ये देखें जी,
अच्छा मतलब ये हजारों साल पुराना दरख्त भी है। हाँ, बस यही कब्रिस्तान है। हाँ, दफनाते किधर है? दफनाते अभी ये जो जगह खाली पड़े हुए हैं ये अभी दफनाए हैं। अच्छा ये अच्छा ये दफनाते हैं ना। पहले मतलब जो लोग मर जाता था उसको ताबूत में अभी क्या फंक्शन होते हैं क्या मतलब पहले रखते हैं उसको काफी दिनों तक ऐसे बोलते हैं? काफी दिनों तक उसको एक दिन के लिए। अच्छा रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है ना। हाँ 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 फिर वो कहते हैं कि उनकी जो पुरानी चीजें हैं वो भी रख देते हैं अगर? नहीं नहीं अब नहीं रखते, अब वो भी दोस्तों को बांटते हैं। अच्छा सही सही सही। ये हमारे बेहतरीन दोस्त हैं जी और माशाल्लाह इन्होंने हमें बहुत गाइड किया है। सलीम भाई ये कैलाश वादी में रहते हैं, नहायत ही अच्छे इंसान हैं, हमारी बड़ी खिदमत की है इन्होंने। और ये देखें जी ये ताबूत है ये। ये खोपड़ी है और क्या होता था कि लोग इसमें जब मर जाते तो फ्रेंड्स ये है कैलाश का पुराना कब्रिस्तान, हजारों साल पुराना कब्रिस्तान है। कैलाश वादी में हम लोग आए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी हम चलते हैं आगे और वो भी हम आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान। आपने देखा ये देखें पीछे ये कब्रिस्तान, ये देखें जी ये शॉप है ना, ये लेडीज के लिए कपड़े माशाल्लाह देखें जी, ये बच्चों के लिए खवातीन के लिए, ये देखें जी ये दुकानें बड़ी जबरदस्त बनी हुई हैं, यहाँ से आप हर चीज ले सकते हैं। ये देखें ये देखें ये हम लोग कैलाश में आए जी हैदराबाद सिंध से। और ये देखें कैसे प्यार भाई, क्या नाम है आपका? आसिफ भाई। आसिफ क्रिकेट खेलते हो क्या? पता नहीं। ये देखें जी चलें, ये इधर के गांव हैं जबरदस्त, इनके घर देखें बड़े जबरदस्त बने हुए हैं। ये इनके घर हैं जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखें ये देखें कैलाश की ड्रेस ये ख्वातीन के लिए, ये देखें जी बड़े खूबसूरत ड्रेसेस हैं। ये देखें जी ये कैसी हैं आप? ठीक है बहुत शुक्रिया। ये देखें जी अच्छा जी, प्रिंस हैरी यहाँ पे आए थे इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए थे, ये इनके घर हैं खूबसूरत घर। ये देखें जी ये वादी कैलाश, ये इनके घर। ये डिशें भी लगी हुई हैं। ठीक है खुश रहो। आल पाकिस्तान टूर सिटी 70 पे जा रही है जी और वादी कैलाश की सैर कर रहे हैं हम लोग। हमारे साथ हमारा बेहतरीन फ्रेंड यहाँ के मकामी सलीम भाई भी है। आपको नायाब चक्की दिखाते हैं जो कि पानी पे चलती है, ये अखरोट है जी। हाँ जिस तरह हमारे यहाँ आम गिरते हैं बेर गिरते हैं ये अखरोट है। ये चक्की हम आपको दिखाते हैं ना, माय गॉड अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये चक्की। वाह
ये देखें जी, आटा चक्की है और लाइट की जरूरत नहीं है, पानी पे घूम रही है, ये देखें। वाओ, अमेजिंग है, अमेजिंग। ये आटा पड़ा हुआ है, ये कौन सा मकई का है, मकई का, ये देखें, ये मकई का आटा है, ये देखें, नीचे से पानी इसको घुमा रही है। ओ, पानी है, पानी। अच्छा, इसमें वो गंदम भी डालते हैं ना? गंदम डालते हैं। ऑटोमेटिक, कोई बंदा नहीं, ऊपर लगाया हुआ है, सारा सिस्टम खुद ही चल रहा है, देख सकते हैं। वाओ, ये माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ये एक पट्टा, ये लेडीज के लिए कितने का है? अच्छा, ये कितने का है? अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम इधर है और सब कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? वकास भाई। वकास भाई क्या करते हो, कौन सी BSc? ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। ये जी देखें, ये कब्रिस्तान की तरफ रास्ता है, ये भी नीचे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आगा जहूर मक्सी, आगा ट्रेवलर आपके साथ, और मैं गुलाम कादर खोर, आल पाकिस्तान टूर PT-70 पे हमारा जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कैलाश वैली में पहुंचे हैं और हमें यहाँ पे सलीम भाई और हमारे साथ एक और दोस्त है जी, तारिकुल्ला भाई, ये हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी, रेस्पेक्ट दी, पूरा कैलाश हमें विजिट करवाया जी। आगा भाई, हमें बहुत अच्छा लगा, और कल यहाँ पर आए, फंसे हुए थे, यहाँ पहुँचे रेस्ट हाउस में, स्पेशली हमारे असिस्टेंट कमिश्नर कराची के जनाब वो आतिफ जालिब साहब के बहुत ज़्यादा मेहरबानी की थी, हमें आतिफ ने हमें यहाँ बुलाया, और ख़ास तौर पर सलीम भाई, आप इधर आ जाए, सलीम भाई हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, और तारिकुल्ला भाई ने कल हमें म्यूजियम विजिट कराया, यहाँ काफ़ी चीज़ें विजिट की। अब इन्होंने दावत दी है कि हमारा जो फेस्टिवल होगा अगस्त में, उसमें तो नहीं आ सकते, लेकिन एक चिलम जोशी में हम ज़रूर आएंगे, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये हमारी जो है ना वो अजरक है, और ये सदियों से, जैसे कैलाश जो है ना वो सदियों से जो है ना पुरानी तहजीब है, ये भी हमारी 5,000 साल पुरानी तहजीब है। तो हम तारिकुल्ला भाई को जो है वो हमारे अजरक का जो है ना वो तोहफा है, ये हम उनके जो है ना वो ये हमारी, और ये हमारी याद दिलाएगी। हाँ, ये हमारी सिंध की थकावत है, हजारों साल पुरानी थकावत, और ये बड़ी मेहनत से बनता है। इसमें कोई 12 प्रोसीजर होते हैं, कपड़ा बनता है, उसकी सफाई होती है, फिर उसके ऊपर हाथ के ऊपर जो ना वो स्टैंप लगाते हैं, और ये बहुत मेहनत से बनता है। और मैं पहना लूँ फिर आप ज्यादा बात करना। ये हमारे प्यारे और निहायत एहतराम के साथ सलीम भाई, सलीम भाई, ये आपके लिए हमारी सिंध की सकाफत है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये हजारों साल पुरानी रवायत है हमारी सकाफत, ये हमेशा आपको याद दिलाएगी। और जहाँ यहाँ कभी भी प्रोग्राम होगा, कोई सिंधी आएगा, उसको दिखाएंगे कि भाई हमारे सिंध के लोग आए थे, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और मोहब्बतें कायम रहें, इंशाल्लाह हम यहाँ पर आएंगे। और हम लोग पूरी दुनिया में ये पुरमन पैगाम देना चाहते हैं कि हम सिंध में रहने वाले लोग हैं, पुरमन लोग हैं, और जहाँ पे भी जाते हैं हम अपनी सकाफत को हमेशा उजागर करते रहेंगे, हमेशा के लिए। ओके जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कैलाश वैली जिंदाबाद, खूबसूरत वैली की आप शेयर करें और देखें।